मर्द की मूछ नहीं और घोड़े की पूंछ नहीं, इस पुरानी कहावत को साकार कर रहे हैं जयपुर में आयोजित मिलन ट्रेवल्स के समारोह में एक शख्स जिन पर ये पूरी कहावत खरी उतरी है। दरअसल ये शख्स हैं बीकानेर के गिरधर व्यास का मूछों से प्यार इस कदर है कि वो अपनी मूछों की बदौलत आज नाम कमा रहे हैं। नजारा देखकर आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि तस्वीरों में लंबी लंबी जो मूछें आप देख रहे हैं वो नकली नहीं बल्कि असली है। बीकानेर का रहने वाला ये शख्स गिरधर व्यास को सालों से लंबी लंबी मूछें रखने का शौक है, और शौक भी ऐसा कि मूछों की मजबूती के लिए वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। गिरधर व्यास की माने तो सालों पहले रामदेव यात्रा के दौरान उनकी एक ऐसे ही लंबे मूछ वाले बाबा से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनके सर ऐसा जुनून चढ़ा कि आज गिरधर व्यास की चेहरे के दोनों ओर 9.5-9 फीट की मूछे हैं। ये 1975 के अंदर मैं रामदेवरा पैदल जा रहा था, मैं उस टाइम मैंने करना जी भील को देखा और उनको ही मैंने गुरु बना लिया, और उनको देख के ये मेरे को प्रेरणा लगी, शौक लगा मेरे को, और उस टाइम से 1985 से मैंने ये मूछ बनानी चालू कर दी। मैं इधर से पानी की बाल्टियां भी उठा लेता हूँ 15-15 किले की, खाली दो सिलेंडर की टंकियां भी उठा लेता हूँ मैं। व्यास को अपनी मूछों के कारण हर जगह सम्मान मिलता है, लेकिन व्यास को अब दर्द केवल इस बात का है कि अभी तक उनकी लंबी मूछों के कारण उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल नहीं हुआ है, जिसकी वो कोशिशों में जुटे हुए हैं। मेरे को सम्मान के लिए तो मैं अपने आप को उस टाइम तो ये समझता हूँ कि मैं बहुत बड़ी किंग बन गया मूछों के अंदर, लेकिन मैं बना नहीं अभी तक, क्योंकि मेरा गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ नहीं अभी तक। मेरा प्रयास है बहुत ज़्यादा, आपके चैनल के द्वारा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा गिनीज बुक में नाम दर्ज करें। मैं इनको वेट लिए घूमता हूँ, आज मेरे को 32 साल हो गए हैं। मूछ रखना और उसे अलग अलग तरीके से संवारना कई लोगों का शगल है, लेकिन गिरधर व्यास अपने मूछ प्रेम को जुनून के हद तक ले गए हैं। मूछों के दम पर गिरधर जमकर लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। जयपुर से फर्स्ट इंडिया के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। तो मूछों ने दिलाई नई पहचान।